तो भाई आज की मेरी सुबह सुबह हुई है किचन में। किचन में आया हूँ खाने के लिए। अभी जैसे मैं पहले कुछ खाता नहीं था, सीधा योगा के लिए चला जाता, तो अभी मेरे को खाना है एक सैंडविच, एवोकाडो सैंडविच। अभी मैं बता देता तो हूँ आपको बनाना कैसे है, वो ज़बरदस्त बनेगा। एक सैंडविच बनाएंगे, उसके बाद जो हमने भिगोया हुआ है ये हम खाएंगे बाद में। तो भाई अभी मैं काटूंगा एवोकाडो, जो कि मुझे काटना आता नहीं है। एक काट दिया भाई, बढ़िया काटा मैंने, एक पूरा डलेगा। चम्मच दे यार, चम्मच से करता हूँ, इसमें डाल दूँ। एक्चुअली मम्मी अभी है नहीं, मम्मी गए हुए हैं, तो देखो मैं कैसे बना रहा हूँ एवोकाडो की मैंने माँ बहन कर दी है। एवोकाडो भी रो रहा होगा कि भाई मैं किसके हाथ में आ गया। भाई अपन वैसे ही हैं, चक पाड़ दे। वैसे असली को कैसे होते हैं मेरे जैसे, है ना? मुझे ना बस कोई काट के दे दे ये, फिर तो मैं बढ़िया से खा लूँगा भाई। इसी से जाएगा ये दूर मिक्स होके। मैं बता रहा हूँ आपको ये खाना कैसे है, ये ऐसे ही खाना है भाई। मिक्स करना है इसको, ऐसे मैश कर लेना पूरा। और इसका टेस्ट नहीं होता, ये टेस्ट लेस होता है, बेकार होता है, ये पकौड़ा का टेस्ट होता है इसका। जब तक पेस्ट ना बन जाए ना, तब तक करते रहना। और जो ये खाता होगा ना, वही इसके फायदे जानता होगा, क्योंकि टेस्ट लेस है ये, इसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं होता। ये भी भाई बकबका सा ही होता है, बिल्कुल विदाउट टेस्ट होता है, लेकिन जैसे मैं खाऊंगा ना टेस्ट आएगा उसमें। मैं आपको बताऊंगा फिर मैं कैसे खाऊंगा। तो ये कर खाने के बाद आप चलेंगे योगा करने के लिए कुछ मिनट के बाद। पहले खाते हैं, अपनी डाइट में आज ये रहेगा, एक एवोकाडो, चार ब्रेड। मैं ना रोज के रोज मैं अपनी डाइट ना चेंज करता रहता हूँ। कभी दलिया होता है, कभी साबूदाना होता है, कभी कुछ होता है, कभी दूध बन पी लेता हूँ मैं। ये लो भाई, इस पे ऐसे लगाना है, ये पूरा भर भर के लगाना है, खाओ दबा के। तगड़ी चीज़ है भाई ये, तगड़ी। वेस्ट मत होने देना इसे ज़रा सा भी। बस मेरे को ये सजाना संवरना आता नहीं है, मैं बहुत गंदा कुक हूँ, लेकिन अपना खा लेता हूँ भाई, जो भी जैसे बनाता हूँ ना खा लेता हूँ अपना। ये हो गया अपना बन के तैयार एवोकाडो के सैंडविच। ये एवोकाडो डाला है, उसके ऊपर हमने डाला है शहद एवोकाडो। अब ये खाएंगे, टेस्ट कुछ ऐसा ही होगा इसका। इसका टेस्ट मैं पहले बता रहा हूँ, शहद डालने के बाद भी ना टेस्ट नहीं आएगा इसका कोई भी। लेकिन कोशिश करना ऐसे ही खाना, आप नहीं यकीन होता तो ना नेट पे एवोकाडो के फायदे पढ़ लेना। तो भाई मैंने एवोकाडो का जो सैंडविच था वो खा लिया, और उसके ऊपर से मैं, मेरे को नारियल पानी पीना था, जो असली वाला नारियल पानी था वो था नहीं घर पे, तो मैंने बोतल वाला पी लिया। तो कोई बात नहीं, नारियल पानी तो है बट ये आर्टिफिशियल है, कोई बात नहीं है, पी लेता हूँ। और मल्टीविटामिन ज़रूरी है, वो भी उसके साथ खाई थी मैंने। तो बस अभी थोड़ा मैं 1.5 घंटे के बाद पूरी मैं करूँगा योगा, ठीक है? पहले जैसे डेली कर लेता ना सुबह सुबह, तो अब करूँगा 1.5 घंटे के बाद। मैं एक ही रिदम में नहीं चलता, मतलब एक हफ्ते में, अगर एक हफ्ते में ना, तो एक हफ्ते में मेरे 3 बार प्लान चेंज होते हैं। ऐसे नहीं हफ्ता के हफ्ते मैं सेम चलता हूँ, नहीं। तो बस अभी ये करने के बाद मैं एडिटिंग करने बैठूंगा, जो आप देखोगे वीडियो। तो उसके बाद मैं अगर कुछ देखता हूँ, खतरों की लड़ाई का नहीं है अभी, तो सैटरडे है, तब तो आएगा, सैटरडे को आएगा। बीच में मुझे काम भी करना है, और मम्मी को भी लेके आना है, और एक दो काम हो रहे हैं वो भी करना है, सारा काम निपटा दूंगा। फिर 1.5-2 घंटे के बाद योगा करूँगा। हेलो दोस्तों, हरे कृष्ण। तो कैसे हो आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अपना टाइम जो स्पेंड करना था मैंने वो कर दिया है, 1.5-2 घंटा। अब 2 घंटे के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। अब मैं करूँगा सीधा एक्सरसाइज अपनी, अभी योगा स्टार्ट करते हैं, और रोज की तरह जो भी है करते हैं, और आज एक आसन न्यू करते हैं, ठीक है? तो बने रहना आज की वीडियो में भी। ये 1.5-2 घंटे कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं लगा। पहले मार्केट गया, फिर जो काम करें मार्केट के आया, फिर एडिटिंग अभी तक नहीं की मैंने, मतलब पता ही नहीं लगा भाई 2 घंटे कैसे निकल गए। चलो अभी योगा करते हैं, उसके बाद फिर मैं खाने पीने के लिए अपना निकलूंगा, नेक्स्ट डाइट है मेरी वो लूंगा। उसके बाद आज साइकिलिंग भी करेंगे और रनिंग भी करेंगे। आज भाई मेरे को रात हो जाएगी, मुझे इतना पता है। आते आते रनिंग भी करूंगा, क्योंकि साइकिलिंग भी करूंगा, दोनों करेंगे आज, ठीक है? अभी आए हूँ, आते मैंने फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर दिया। मैंने, आप पसीना देख सकते हो, मेरे को पसीना आ रहा है, बस दौड़ के आया हूँ अभी मैं। चलो तो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। यहीं पर रखता हूँ कैमरा, और आपको सारा दिखाता हूँ सामने। वो ये वाला है, अपने जो दोनों घुटने हैं ना, वो
यहाँ पे ट्राई सेप रखना है प्रॉपर। उसके बाद हल्का सा प्रेस करके पुश करके अपनी बॉडी को अप करना, लिफ्ट करना। तीन चार बार उसके बाद अब हो जाके ये इजी हो जाएगा। धीरे धीरे करना ना, अभी जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे इजी हो जाएगा। ये आसन छोटा सा ही है लेकिन जान निकाल देते हैं। देखो आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे हाथ सीधा रखना है ऐसे, और वेट ऐसे रखना है ऐसे कुछ यहाँ। लेकिन ये जो घुटने हैं ना आपके, ये तो टच होना चाहिए यहाँ पे। करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी। अभी मेरा बॉडी कांप जाती है, मैं करता हूँ ना कुछ, अभी मेरे को प्रॉपर नहीं बता सकता, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे करना है देखो, ऐसे आप रखना है, उसके बाद इधर से हल्का सा जंप लेना और सारा वेट आपके बाजू पे आ जाएगा, हाथ पे आ जाएगा, और बहुत ही ध्यान से करना है बस ये चीज। हो गया थोड़ा सा, चलो अभी इसी के प्रैक्टिस करता हूँ मैं। डेली मैं एक एक आसन को प्रैक्टिस करता हूँ, अगर मेरे जब तक प्रॉपर नहीं होता ना वो आसन, तब तक वो मैं आसन छोड़ता नहीं हूँ। फिर मैं दो दिन भी करता हूँ, तीन दिन करता हूँ, मेरे को 3 दिन लगे थे जो पिछले वाला कैमल वाला आसन किया था ना, वो 3 दिन लगे थे मेरे को। आज इस आसन का पहला दिन है तो धीरे धीरे आ जाएगा ये आसन। ऐसी बात नहीं है यार, योगा करके पसीना पूरा आता है, बहुत बढ़िया वाला पसीना आ जाता है। और अभी मैं कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, योगा आधा घंटा या पौना घंटा करता हूँ, 40 मिनट बस मैक्स है मेरा। फिर उसके बाद साइकिलिंग शाम को और रनिंग होती है, दोनों में से कुछ भी कर लेता हूँ। तो आज एक मैं नया आसन सीख रहा हूँ, तो जो मैं सीखता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही आपने भी आसन ट्राई करना है। चलो बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, फिर अपनी डाइट लेते हैं। चलो भाई, योगा हो गया मेरी कंप्लीट। अब देखता हूँ क्या बनाया मम्मी ने, वो खाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ी रेस्ट करता हूँ, उसके बाद निकलेंगे हम साइकिलिंग के लिए प्लस रनिंग, दोनों करनी है आज। वॉक भी करूँगा फिर रनिंग करूँगा मैं, ठीक है। अभी भाई रात होने वाली है, देखते रहना और बने रहना इस टीवी में। किचन में आज बनी है मेरे लिए खिचड़ी, तो मैं खिचड़ी खाऊँगा थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैं डालूंगा अपने वही मखाने और थोड़े ड्राई फ्रूट डाल के वो खा लूँगा थोड़ी सी, मतलब एक छोटे वाला बाउल, ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ 1.5 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद मिलता हूँ, ठीक है। सीधा साइकिलिंग करूँगा फिर रनिंग के लिए निकलेंगे। योगा क्योंकि अपनी कंप्लीट हो चुकी है तो बने रहना, बस अभी ये खाऊंगा उसके बाद आधे पौने घंटे निकलेंगे। अब चलता हूँ मैं साइकिलिंग करने के लिए, अंधेरा पहले और ऑलरेडी अंधेरा हो गया। ओ यार घड़ी लेके आने भूल गया, चलो कोई बात नहीं। तो भाई मैं ये बताने के लिए रुका हूँ आपको कि मेरे पास घड़ी तो है नहीं, आज मैं लेके नहीं आया। आज बस आधा घंटा हम करेंगे साइकिलिंग, तो मोटा मोटा हिसाब लगा लूँगा मैं, 1 घंटा करेंगे रनिंग कंटिन्यू। तो चलो चलते हैं। मेरा वेट लास्ट मैंने चेक किया था 73 था 2 हफ्ते पहले, तो आज देखेंगे कितना हो गया, आज नहीं कल चेक करूँगा कितना हो गया। चलो भाई चलते हैं। पूरा अंधेरा हो रखा है अभी जहाँ पे मैं रनिंग कर रहा हूँ, देखो लाइट चमक रही है ना, फुल अंधेरा, लेकिन मज़ा ही तब आता है भाई। हल्की हल्की सी हवा चल रही है, बढ़िया लग रहा है। बस अभी आया ही हूँ, 1 राउंड लगाया पार्क का, बस अब रनिंग स्टार्ट करनी है, तो चलो मिलता हूँ रनिंग के बाद आपको मैं।
ओ भाई आगे यहाँ पे पता लगा रनिंग की आज मैंने दबा के आधा घंटा रनिंग की, उसके बाद भाई स्प्रिंटें मारी मैंने तीन। स्टेमिना अभी भाई जीरो बढ़ा है बिल्कुल, इतना है नहीं, पसीने में भाती है सारा। मज़ा आ गया लेकिन यार अच्छा लगा। मैं वहाँ से पहले सोच रहा था वीडियो बनाऊँ लेकिन यहाँ पे लाइट अच्छी है तो फिर सोचा यहाँ पे बना लूँ। तो चलो अब निकलते हैं घर की तरफ। भाई एक चीज़ देखो कि सारे चले गए, बस मेरी साइकिल खड़ी है अकेले, कोई नहीं है यहाँ पे, सारे निकल गए। भाई अभी घर पहुंचा हूँ मैं, तो चलो अभी नहा के फिर बैठता हूँ एडिटिंग करने के लिए। रात भी बहुत हो गई है यार, देखो आते आते मेरे को टाइम कितना हो गया यार, 11 बज गए। ऐसे ही है भाई, जब निकलता हूँ मैं चला ही जाता हूँ। और बढ़िया रहा आज एक्सरसाइज करके और बाहर स्प्रिंट मार के रनिंग करके बहुत बढ़िया लगा। तो चलो बस मैं यूं गया और यूं आया, बस नहा के मिलता हूँ आपको मैं। चलो भाई मैं आ गया नहा धो के, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। आज मैंने जो भी किया ना मैं घड़ी में काउंट तो होने, क्योंकि घड़ी में लेके नहीं गया था, अच्छा हुआ नहीं लेके गया, क्योंकि चार्ज ही नहीं थी घड़ी।